जो वहां पर समझौता हुआ था उसमें कोई अभी तक कोई परिणाम सामने आया उसका? अभी नहीं कोई परिणाम सामने आया अभी तो। जैसे 10 साल पुराने ट्रैक्टरों की जहाँ तक बात है, तो सरकार ये कह रही है कि जी हम रोकने के नहीं, आप चला लो, लेकिन वो एक किस्म से इलीगल है, लीगल रूप से सरकार को करना पड़ेगा उसमें। उसका इंश्योरेंस नहीं होता। अभी किसी ट्रैक्टर से एक्सीडेंट हो गया, उस ट्रैक्टर का इंश्योरेंस नहीं, ट्रैक्टर का तो पूर्ण रूप से जो क्लेम होगा वो जो ट्रैक्टर मालिक होगा उस पर पड़ेगा। तो क्या लगता ये है सरकार की किस तरह की मंशा है किसानों के देखो, प्रति? मनसा सरकारों की ठीक नहीं है, और देश में अगर किसान जिंदा है तो आंदोलन के बल पे जिंदा है। हमेशा देश में आंदोलन और आंदोलनकारी की सपोर्ट भारतीय किसान यूनियन करती है, और आज भी जो किसानों की समस्या है उसके लिए कल अहम फैसले भोरा की पंचायत में लिए जाएंगे। गन्ना भुगतान को लेकर सरकार बात सारे करेगी। सारे इशू कल वहाँ पर रहेंगे। गन्ना भुगतान भी जिस तरह से करीब 12,000 करोड़ रुपया आज भी उत्तर प्रदेश का किसानों का बकाया है, तो सरकारें गंभीर नहीं है किसी भी मामले में। आज इस हिसाब से फसलों के जो रेट हैं वो जो सरकार के रेट है उससे नीचे पे बिखरे हैं, तो बहुत ज़्यादा नुकसान में आज किसान जा रहे हैं। क्या इसमें जो कल जो पंचायत होने जा रही है इसमें आंदोलन की रूपरेखा तैयार रूपरेखा होगी? तैयार होगी, उसमें रूपरेखा तैयार होगी।